नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को गुजरात दौरे पर हैं और जहां उन्होंने उद्घाटन कार्यक्रम के जरिए जनता के बीच पहुंचने की कोशिश की है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार पाटीदार मतों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इस दो दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी पाटीदार समुदाय को भी संबोधित कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार पटेल सेवा समाज के एक अधिकारी ने बताया कि उनका लक्ष्य इस आयोजन के लिए लगभग 3 लाख लोगों को इकट्ठा करना है। बता दें, मार्च से अब तक प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में 17 कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं और इसमें से 6 कार्यक्रम ऐसे हैं जो पाटीदार समुदाय से संबंधित रहे हैं। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के चलते 2017 के विधानसभा चुनाव में इस समुदाय का वोट बीजेपी को पिछले मौकों की तरह नहीं मिल सका था। गोवा के बाद उत्तराखंड दूसरा ऐसा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी बना दी है। उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को यूसीसी लागू करने के लिए ड्राफ्ट कमेटी गठित की, जिसमें 5 सदस्य हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई होंगी, जो अभी भारतीय परिसीमन आयोग की प्रमुख हैं। समिति के अन्य सदस्यों में दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव और 1983 बैच के आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, दून यूनिवर्सिटी के कुलपति सुरेखा डांगवाल और एक अन्य पूर्व मुख्य सचिव मनु गौर शामिल हैं। टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को हुई सजा पर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC के बयान की भारत ने निंदा की है। भारत ने कहा कि संगठन ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए समर्थन व्यक्त किया है। भारत ने OIC से किसी भी तरह से आतंकवाद को सही नहीं ठहराने का आग्रह करते हुए कहा कि दुनिया इस खतरे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस चाहती है और हम OIC से इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराने का आग्रह करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मलिक के आतंकी गतिविधियों के दस्तावेजों को अदालत में पेश किया गया है। क्रूज ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को NCB के द्वारा क्लीन चिट मिलने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, ये अब स्वीकार कर लिया गया है कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। युवा शख्स को लगे सदमे की जिम्मेदारी कौन लेगा? बता दें, NCB ने आर्यन खान और 5 अन्य का नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया है। कारण बताया गया है कि उनके खिलाफ सबूत नहीं पाए गए। इसके बाद लोग लगातार TV मीडिया और NCB के अधिकारियों पर हमला बोल रहे हैं, जिन्होंने आर्यन खान को दोषी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मीडिया ने तो दिन रात एक कर आर्यन को दोषी बता दिया था और शाहरुख खान के खिलाफ जमकर माहौल बनाया। आर्यन को क्लीन चिट दिए जाने के मामले में SIT ने अपने एक विभागीय नोट में समीर वानखेड़े के नेतृत्व वाली जांच टीम की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक SIT ने नोट में लिखा है कि IRS अधिकारी वानखेड़े की टीम ने आर्यन खान को किसी तरह फंसाने की कोशिश की थी। नोट में कहा गया है कि बड़ी हैरत की बात है कि आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट, जिनके पास से थोड़ी चरस बरामद हुई थी, ने इस मामले में आर्यन की किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया था। इसके बावजूद भी इन जांच अधिकारी ने बिना मोबाइल जब्त किए आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट देखे। इस नोट में आगे कहा गया है कि इससे जाहिर होता है कि वो इस मामले में किसी भी तरह आर्यन खान को फंसाना चाहते थे। 3 जून को आ रही फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का टाइटल चेंज कर दिया गया है। अब फिल्म का टाइटल सम्राट पृथ्वीराज होगा। फिल्म का टाइटल बदलने की मांग करणी सेना की ओर से की जा रही थी। करणी सेना ने फिल्म के निर्माताओं को चेताया था कि उन्हें इसका टाइटल बदलना ही होगा। जब इस फिल्म को बनने की खबरें आई थी, तभी से इसे लेकर विवाद शुरू हो गया था। ये फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। दूसरी ओर इस फिल्म को लेकर गुर्जर समुदाय ने भी विरोध जताया है। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने कहा है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, इसलिए फिल्म में उन्हें राजपूत सम्राट के बजाय गुर्जर सम्राट के तौर पर दिखाया जाना चाहिए। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने पृथ्वीराज चौहान के गुर्जर होने के तमाम दावे पेश किए हैं और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद सहित तमाम मामलों के बीच सहारनपुर के देवबंद में एक बड़ी सभा हो रही है। सभा का आयोजन जमियत उलेमाए हिंद की ओर से किया गया है और ये 2 दिन तक चलेगी। इस सभा में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ ही बुद्धिजीवी भी भाग ले रहे हैं। बीजेपी नेता और अपनी ही सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहने वाले वरुण गांधी ने एक बार फिर बेरोजगारी और खाली पड़े पदों को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है, तब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश व निराश हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। वरुण ने कहा कि कहां गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था, ये जानना हर नौजवान का हक है। ट्वीट में वरुण ने इसके साथ एक सूची को ट्वीट किया है, जिसमें बताया गया है कि किस विभाग में कितने रिक्त पद हैं और कुल रिक्त पदों की संख्या 60 लाख से अधिक है। बता दें, वरुण गांधी ने किसान आंदोलन के समय में भी खुलकर किसानों के पक्ष में आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद से वो लगातार सरकार की कमियों पर आवाज़ उठाते रहे हैं।
भारत में टेस्ला का प्लांट खोलने को लेकर टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने एक बार फिर अपना स्टैंड साफ किया है। मस्क ने ट्विटर पर एक यूजर का जवाब देते हुए कहा कि टेस्ला किसी भी ऐसे देश में अपनी उत्पादन इकाई नहीं खोलेगी जहां पहले उसे कार बेचने और कार की सर्विस देने का मौका ना मिला हो। मस्क से मधुसूदन वी नाम के एक शख्स ने पूछा था कि टेस्ला क्या करेगी, क्या वो भारत में भी आगे मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट खोलेगी। इसके जवाब में ही मस्क ने ये बात कही। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इलेक्शंस अमेंडमेंट बिल 2022 को पारित कर दिया है। ये बिल आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम के उपयोग को रोकता है और साथ ही साथ विदेशी पाकिस्तानियों को मतदान करने से भी रोकता है। संसदीय कार्य मंत्री मुर्तजा जावेद अब्बासी ने गुरुवार को यह बिल पेश किया जिसको बहुमत से पास कर दिया जा चुका है। बिल का विरोध केवल ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्यों ने किया। बिल में पिछली पीटीआई सरकार द्वारा ईवीएम के उपयोग और विदेशी पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग जैसे फैसलों को पलट दिया गया है। कानून के बारे में बोलते हुए संघीय कानून मंत्री ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, इससे अब स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो सकेंगे। बता दें, पाकिस्तान में जल्द चुनाव कराने की मांग पीटीआई प्रमुख इमरान खान के द्वारा की जा रही है। इमरान खान ने चुनाव का ऐलान करने के लिए सरकार को 6 दिनों का वक्त दिया है और ऐलान न होने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। IMF की मांगों को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करने के ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में समाज के सबसे गरीब तबके के लिए 28 अरब रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। पद संभालने के बाद से अपने पहले संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय हित को देखते हुए कड़े फैसले ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने पिछली इमरान खान सरकार पर पाकिस्तान की आर्थिक और कूटनीतिक स्थिति को व्यक्तिगत और राजनीतिक हित के आधार पर आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पिछली सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी देने का ऐलान किया था, जबकि इसका बोझ राष्ट्रीय राजकोष नहीं उठा सकता था। उन्होंने कहा कि हमने निर्णय देश के वर्तमान के आर्थिक संकट से निकालने के लिए लिया है। इसके साथ ही शहबाज ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने को लेकर भी इमरान को घेरा और कहा कि इमरान खान ने ही IMF से ईंधन के दाम बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी। उन्होंने कहा कि आपने IMF के साथ सौदा किया, हमने नहीं। आपने उनकी कठिन शर्तों को स्वीकार किया, हमने नहीं। शहबाज ने कहा कि आपने लोगों को महंगाई के बोझ से दबा दिया, हमने नहीं। आपने देश को आर्थिक दलदल में धकेला, हमने नहीं। अंत में उन्होंने इमरान खान पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान संविधान से शासित होगा, किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।